और इमरान खान की सल्तनत में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो उस मुल्क की आवाम है। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में चाय कितने में मिल रही होगी। हम आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता देते हैं, पाकिस्तान में लोगों का चाय पीना भी मुहाल हो चुका है। पाकिस्तान में एक कप चाय 40 रुपए तक की बिक रही है। चाय दुकानों पर ग्राहकों का टोटा होने से दुकानदार परेशान है क्योंकि कोई ग्राहक वहां पर पहुंच नहीं रहा है। पाकिस्तानियों ने इमरान हुकूमत की विदाई की इसीलिए मांग की है। महंगाई से त्रस्त पाकिस्तानियों का इमरान पर निशाना भी देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही नियाजी को पता चला कि सरकार संकट में है, जरूर जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसे कम करने की कोशिश की, लेकिन एक कप चाय 40 रुपए की पाकिस्तान में। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त महंगाई के हिसाब से, कारोबार के लिहाज से? भाई आपको पूछने की ज़रूरत है, आपके सामने है हर चीज़। बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने हमारा। गैस 200 रुपये किलो है, दूध का रेट देख ले आप, पत्ती का रेट देख ले, चीनी का रेट देख ले आप, कमाई नहीं रही है। बच्चे परेशान है, बिल जमा करवाएं, बच्चों की फीसें जमा करवाएं, घर चलाएं, क्या करें, घर का किराया दें, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। बेड़ा गर्क करके रख दिया इस गवर्नमेंट ने हमारा। अल्लाह पाक इससे हमारी जान छुड़वा दे, अल्लाह कोई नेक लोगों को ले आए। और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हुआ, फौरन वापस आ रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं।